हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम का जो सोल्यूशन हमारे चैनल पर चल रहा था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 46 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, जल्दी से करते हैं कि रुपये 10 के 6 की दर से 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ आपको रुपए लिखना पड़ेगा और एक तरफ आप वस्तु लिख लीजिए। सबसे पहले वो कह रहा है कि खरीदने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सीपी लिखना है, जिसको आप हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हो या इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हो। तो 10 रुपये लगा कर देखिए दोस्तों, उसने 6 केले खरीदे हैं, ये आपकी कंडीशन बनेगी। उसके बाद बेचने की बात कर रहा है, बेचने को आप सेलिंग प्राइस बोलते हो, जिसको आप हिंदी में विक्रय मूल्य बोलोगे। तो उसने क्या किया है, कितने की दर से 6 रुपये में 4 की दर से केले बेचे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो, अगर वस्तुओं को बराबर कर ले भाई, 6 यहाँ पे 6 केले हैं, यहाँ पे 4 केले, रुपए अलग अलग हैं। अगर सेम टू सेम वस्तुएं कर ले, मतलब वस्तुओं को बराबर कर ले, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो अब आप 6 और 4 को बराबर कैसे कर सकते हो, देखिए 6 को 12 बना सकते हो, 6 दुनी 12 होता है, 4 को भी 12 बना सकते हो, 4 दुनिया 12 होता है। तो इस पूरे वाले में आप क्या करो, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, और इस पूरे में आपको 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। यही आपको हर सवाल में करना है इस तरीके के। तो यहाँ पे आप दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा। अब यहाँ पे आप चीज़ देखो कि 12 केले देखिए उसने 20 रुपये के क्या किए, खरीदे, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, और 12 केले ही उसने 18 रुपये के बेचे, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। जब वस्तुओं को आप बराबर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 रुपये के खरीदे, 18 रुपये के बेचे, यहाँ से यहाँ उसको क्या हो रही है, तो आप कहोगी उसको तो हानि हो रही है, उसको हानि हो रही है। और हानि हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बताता हूँ। हानि निकालने के लिए आप क्या करते हो, हानि तभी होती है जब आप ज़्यादा में चीज़ को ख़रीदते हो, मतलब क्रय मूल्य आपका ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो विक्रय मूल्य उसको घटा करके आपकी हानि निकल आती है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि CP माइनस SP करने पर ही आपकी लॉस निकलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 रुपये की चीज़ ख़रीदी थी 12 केले, और 18 रुपये के बेचे, तो उसको 2 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। लेकिन आपसे डायरेक्ट हानि नहीं पूछा है, उसने आपसे हानि प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोई भी हानि प्रतिशत निकालनी हो या लाभ प्रतिशत निकालनी हो, सबसे पहले तो वही चीज़ ऊपर लगते हैं। जैसे हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि को ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत हमेशा आपको क्रय मूल्य पर निकालना होता है, नीचे क्रय मूल्य रखेंगे। और प्रतिशत बनाने के लिए मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का साइन लगा लेते हैं। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको इतनी डिटेल बताई है, जैसे आप चीज़ों को समझ जाएँ, फॉर्मूले आपको पता चल जाएँ। यहीं पे अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर लाभ हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी। अब हानि देखिए कितनी हुई है, 2 रुपये की हानि हुई है। अब क्रय मूल्य आप कितना लोगे, तो क्रय मूल्य दोस्तों आपको 20 रुपये ही लेना है। यहाँ पे देखो 20 रुपये ही क्रय मूल्य लीजिएगा, 10 रुपये मत लीजिएगा, बाद वाला लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100 लगा दोगे, तो आप देखोगे इसको 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, और 5 दुनी 10, तो यहाँ पे दोस्तों 10% की हानि आ जाएगी। इस प्रश्न में 10% की हानि होगी, जो किसी न किसी ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। तो 10% की हानि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हो। जब आप दोबारा लगाइएगा तो ये सब चीज़ें आपको लिखने नहीं होंगी, आप आसानी से जल्दी से कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया है, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आपको क्रय मूल्य बताना है। तो हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य, अब आपको वहाँ पे ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे क्रय मूल्य मन में देखना है कि 100 रुपये हम क्रय मूल्य हमेशा मानते हैं। अब उसने कहा है कि 15% लाभ,
देखिए लाभ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर हम बात करें लाभ 15% कह रहा है, लाभ कितना कर रहा है 15%, तो जब भी ऐसा कुछ कहा करे तो डायरेक्ट 100 पे आप 115 निकालिए, डायरेक्ट आप 100 पे 115 निकालिए। लाभ जितना हुआ करे 100 में जोड़ के उस पर निकाल लिया करिए, तो आपका 115 हो जाएगा यहाँ पे। और हानि भी उसने 15 बोली है 15%, तो हानि निकालने के लिए क्या करिए कि हानि भी 15% है, तो 100 पर डायरेक्ट क्या करिए 100 से 15 माइनस करके निकाल लीजिए। भाई 100 से 15 माइनस करोगे तो 85 आएगा, तो यहाँ पे आप 85% निकाल लीजिए। तो ये आपका हो गया 85, यहाँ पे सॉरी 115 हो गया। उसने कहा है कि 15% लाभ और 15% हानि का जो अंतर दिया है वो दोस्तों 450 दिया है। तो आपका 115 और 85 का अंतर कितना आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 5 से 5 जीरो आएगा और 11 से 8 आपका 3 आएगा। आपका अंतर 3 आ रहा है और क्वेश्चन में दोस्तों उसने 30 आ रहा है और क्वेश्चन में 30 की वैल्यू उसने 450 दी है। अब यहाँ पे एक एक नियम लगाते हो कि भाई 30 की वैल्यू 450 है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो 450 को भाग करते हो 30 से, यहाँ 0 0 कट करते हो तो 15 3 45 होता है, एक की वैल्यू 15 आ गई है। अब आपसे जो भी पूछ रहा है बता दीजिए, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य आपने 100 माना था। अगर एक की वैल्यू 15 रुपये है, मतलब 15 है, तो क्रय मूल्य है आपका 100, तो 100 में क्या करिए 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा 1500 रुपये। 1500 रुपये जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप ऐसे आसानी से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आपका सीटेट के पेपर 2 में 2018 में पूछा गया है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये के बेची थी। देखिए पहले 500 रुपये की उसने बेची थी, ये तो आपको पता है। अब उसने क्या किया है 10% की कमी की है। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो कि 500 का पहले 10% निकालो। आप 500 का जब 10% निकालोगे तो आप कहोगे ये आया 50 और कमी की है, इसलिए 500 में डायरेक्ट आप क्या करो 500 में डायरेक्ट क्या करो 50 रुपये घटा दो, तो आपको कमी पता चल, मतलब जो बाद में मूल्य निकल के आएगा अब वो कितने की बेचेगा, नई कीमत क्या होगी 450 रुपये होगी। एक तो ऐसे पता कर सकते हो, एक तरीका ये होता है कि जब उसने 10% की कमी की है कीमत में, तो सीधे सीधे 500 का क्या करो आप 90% निकालो, 100 से 10 कम प्रतिशत निकाल लो, तो आप देखोगे यहाँ भी 450 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है, समय थोड़ा कम लगता है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तो 450 हो जाएगा, उसकी नई कीमत जो निकलेगी 450 होगी, पहले 500 रुपये के बेच रहा था, फिर उसने 10% की कमी करी तो 50 रुपये उसने कम कर दिए, तो 450 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपका यूपी टेट के पेपर 1 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, अभी मैंने बताया क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, या इसको प्रॉफिट अपान का सीपी और मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट में बंद करके प्रतिशत का साइन लगा दो, ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। भाई यहाँ से लाभ पता चल जाए, क्रय मूल्य पता चल जाए, तो सवाल का आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। अब आपको ये चीज़ें पता कैसे चलेंगी, तो उसने पहले कुछ कंडीशन दी है, बस उसी को बराबर कर देना है। उसने कहा यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, देखो पेन कितने हैं 8, उसका क्रय मूल्य करने के लिए क्या किया करो, उसके बगल में सीपी लिख दिया करो। ये जो बराबर है किसके बराबर है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के, तो यहाँ पे आप 6 लिखो और विक्रय मूल्य के लिए एसपी लिख दो।
अब आप यहाँ से सीपी और एसपी की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हो। भाई सीपी को यहाँ पे लिखो, एसपी को इसके नीचे लेकर आओ, और यहाँ पे 6 का 6 लिखा रहने दो, और ये 8 कर दो, इसको कट कर दो। 2 का कट करोगे 2 से, 2 तियाँ 6 और 2 चुकू 8। अब आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा होगा कि जिसके सामने जो लिखा है उसकी वही वैल्यू है, मतलब सीपी हमारा क्रय मूल्य 3 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा 4 रुपये है। तो यहाँ से आप लाभ आसानी से बता सकते हो, मतलब प्रॉफिट आप आसानी से बता सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 4 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 3 रुपये है, तो लाभ आपको निकल के आया 1 रुपये। अब इस वाले में आप क्या करो, यहाँ पे जो है आप सीधे सीधे क्या करो, वैल्यू रख दो, लाभ की जगह आप 1 रख दो, क्रय मूल्य आपने अभी देखा, क्रय मूल्य आपका 3 रुपये रख दो। जैसे ही इसको प्रतिशत बनाना है, मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में बताया था कि 1/3 फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है, तो उसको प्रतिशत में डायरेक्ट आप 33 से ही 1/3% लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लेकिन आप पूरा करना चाहो तो इस तरीके से करो भाई, ये अगर आपको बाई चांस चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो अब आप क्या करो कि 3 से 100 को भाग करो भाई, 3 बार में जाएगा यहाँ 9 आएगा, 1 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा तो यहाँ पे आपका 9 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हो 33, जितनी बार में भागफल है वो यहाँ लिखते हैं, और जो इसका शेषफल होता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग करते हैं भाजक या डिवाइजर उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो इतना प्रतिशत आपका लाभ हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन नंबर चार में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आप सी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं कि कब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी परीक्षा में पूछा गया था और कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी टेट के पेपर 1 में 2018 में ही पूछा गया है कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्रय मूल्य, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य, तो आप इसको मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में वो 2 चीज़ें देता है और दोनों एक ही चीज़ होती हैं, एक तो उसने रुपए में विक्रय मूल्य दे दिया, एक उसने प्रतिशत में विक्रय मूल्य दिया। उसने कहा है कि 390 रुपये में बेचने पर, देखिए 390 रुपये में बेचा है तो ये 390 रुपये है क्या, ये विक्रय मूल्य है, उसको 20% का लाभ होता है। 100 मैंने माना है क्रय मूल्य, अगर 100 मैंने क्रय मूल्य माना है उस पर 20% का लाभ होगा, इसका डायरेक्ट आप 120% निकालोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, तो ये भी तो आपको विक्रय मूल्य ही दिया है, तो 120 भी विक्रय मूल्य दिया है लेकिन वो प्रतिशत के फॉर्म में दिया है, आपको रुपए के फॉर्म में निकाल लेना है और ये ऑलरेडी आपको रुपए के फॉर्म में दिया है, तो 120 की वैल्यू यहाँ पे आपको 390 दे देगी। अब आपसे 100 की वैल्यू पूछी, बहुत आसान है, फिर एक एक नियम लगाइए, एक की वैल्यू भाई कितनी होगी, 390/120, इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 0 काटो, देखो दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 का रूल क्या होता है भाई, 9 3 कितना होता है, 12 होता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, या देखने से ही लग रहा है 3 1 3 3 3 9 और 3 4 12, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 13/4। अब आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें 1 की वैल्यू अगर 13/4 है तो उसी में हम 100 से मल्टीप्लाई करके आराम से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 4 से 100 को भाग करते हो 25 आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 25 दिया 75 का दोस्तों यहाँ 5 होगा, हासिल 7 लगेगा, 25 एकम 25 होगा और 7 32 हो जाएगा, तो कुल मिला के 325 रुपये उस क्वेश्चन का क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे स्टार लगा लेना है, समझ लेना है कि विक्रय मूल्य जब भी ऐसे कहे कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए का लाभ हुआ या इतने रुपए का हानि हुआ, लाभ कहे तो 100 पर प्लस करके निकाल के उसी के बराबर कर देना जो दिया गया है, अगर हानि कहे तो 100 में माइनस करके उसी के बराबर करके वहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए
तो विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 रुपये पड़ जाता है, तो लाभ 1/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपके यूपी टेट के पेपर 2 में 2018 में पूछा गया था, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप दोस्तों 100 मानकर नहीं कर सकते हो, एक्स मानकर कर सकते हो, लेकिन एक्स मानकर हम नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप 100 मान के ना कर पाएँ तो हम लगाते हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रिक। हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं ऑप्शन ट्रिक, और ऑप्शन ट्रिक आपकी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्रय मूल्य, उन्होंने आंसर में क्रय मूल्य पूछा है, तो पहला ऑप्शन क्रय मूल्य क्या दिया है, 850 रुपये। अब इसी 850 रुपये के साथ हम सब कुछ करेंगे, अगर सारी कंडीशन फॉलो करेगा क्वेश्चन तो आपका आंसर यही हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर दूसरा चेक करेंगे। उसने कहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, 850 की चीज़ है, आप उसको 20% लाभ पर बेचते हो, तो या तो आप इसका डायरेक्ट 120% निकालो, या पहले 850 का 20% निकाल सकते हो, दोनों जीरो कटेंगे, 2 × 5 = 10 आएगा यहाँ पे, और 2 × 8 = 16 = 17, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 17 आएगा, 170 रुपये क्या होगा, ये लाभ होगा यहाँ पे। और जब 170 रुपये लाभ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा 850 में 170 रुपये, आप जोड़िए तो 0, 7, 5, 12, 8, 1, 9, 1, 10, ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, इसको मान लीजिए विक्रय मूल्य 1 हो गया, ऐसे मान लेता हूँ ना, ये विक्रय मूल्य। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कहा है, कह रहा है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ जाए, मतलब 850 की चीज़ जो है वो अब 900 रुपये की हो गई, इतनी बात समझ गए, तो ये भी क्रय मूल्य ही है। ऐसा करता है जब, तो कहता है विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाता है, ऐसा करने पर विक्रय मूल्य भी 30 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य 30 रुपये बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 1050 रुपये होना चाहिए बढ़कर, लेकिन अभी हमको कंडीशन चेक करनी है। ऐसा होने पर क्या होता है, लाभ 1/3% कम हो जाता है। देखो लाभ यहाँ पे कितना था, यहाँ पे लाभ कितना था, 20%, अब यहाँ पर लाभ क्या हो रहा है, 1/3% कम हो रहा है, मतलब 20 से 1/3% कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि 20 से 1/3% को हम घटाते हैं, तो यहाँ दोनों प्रतिशत में है तो बाहर प्रतिशत लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका 20 − 3 = 9 = 10/3 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करते चलिए, यहाँ पे 3 से 20 का मल्टीप्लाई करो, 60 − 10/3 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे आपका 50/3% आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था, अब यहाँ पर 50/3% का लाभ होगा। अब देखो कि 900 का 50/3% लाभ निकालने पर क्या 1050 रुपये आ रहा है, अगर 1050 रुपये आ रहा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर 850 रुपये है। तो हम 900 का क्या करते हैं, 50/3% निकालने के लिए यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कटेगा, तो ये 3 × 9 आएगा, तो 150 रुपये ये लाभ आया। अब इसको हम 900 रुपये में जोड़ेंगे तो हम देखते हैं, ये देखो 1050 रुपये आ रहा है जो होना भी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे देखो 30 रुपये विक्रय मूल्य भी बढ़ रहा है, यही क्वेश्चन में आपसे कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 850 रुपये होगा, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से लगाइए। 7 है दोस्तों, कहाँ चला गया, ये है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका दोस्तों राजस्थान टेट में क्लास 1 से 5 मतलब पेपर 1 में 2016 में पूछा गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक चीज़ इन क्वेश्चन में समझिएगा, जब भी कहे कि इतने हानि के इतने बराबर हानि होती लाभ होती है, तो सबसे पहले आपको हानि का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए हानि कब होती है, हानि तभी होती है दोस्तों जब आपका CP मतलब क्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो, और विक्रय मूल्य कम हो, मतलब छोटा हो क्रय मूल्य बड़ा हो, ऐसी कंडीशन में क्या होती है, हानि होती है। ये आपको बात समझ गई।
लेकिन ये हानि जो है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन में किसके बराबर दी है, तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दी है। तो इसको हम 6 पेनों का विक्रय मूल्य इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हमें क्या लिखना है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन में उसने 144 पेन अगर बेचे हैं तो खरीदे भी 144 पेन ही होंगे, मतलब जितने बेचेगा तो उतने ही तो खरीदे होंगे। तो यहाँ पे CP और SP दोनों को हम 144 के साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर जगह 144 नहीं होगा, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ भी हम 144 कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले लगा चुके हो, ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, यहाँ से CP SP आसानी से पता कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 SP करते हैं, इस वाले SP को उठा के इधर लाओगे तो यहाँ पे 144 SP होगा और यहाँ पे 144 CP रहेगा। ऐसे इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 150 SP आ जाएगा और यहाँ पे 144 CP हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कितना, वैसे 4 4 8 1 9 3 से भी कर सकते हो, 3 5 15 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और 3 4 12 बचेगा 2, 3 8 24 यहाँ पे आपका 50 SP और 50 CP आ जाएगा। अभी और सॉल्व कर सकते हो 2 से, ये 25 हो जाएगा, 25 SP और ये 24 हो जाएगा, 24 CP। अब आप यहाँ से SP को यहीं पे रखो, CP इसके नीचे उठा के लाओ, यहाँ पे 24 ही रखो, यहाँ 25 रखो, तो यहाँ पे SP की वैल्यू आ गई 24, CP की वैल्यू आ गई 25। मतलब 25 की चीज़ खरीदी 24 की बेची, तो आपको समझ में आ रहा है ना, हानि हो रही है। आपसे क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछा है और हानि प्रतिशत अभी हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकालते हैं। हानि प्रतिशत के लिए आपको ऊपर चाहिए हानि, तो 25 रुपये की चीज़ 24 में बेच रहा है, 1 रुपये की हानि होगी। नीचे हमेशा CP होता है तो 25 होगा। अब ये आपको पता चल गया इसका प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे 25 4 100 हो जाएगा। सो सीधे सीधे 4% की दोस्तों हानि आएगी इस क्वेश्चन में, जो आपको ऑप्शन नंबर में दिया गया है D में। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से लगाइए, आई होप आपको समझ में आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित विक्रय मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है। जो पूछा है पहले, सबसे पहले तो वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए पूछा क्या है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100, ये होता है। अब इसको आप यहाँ ब्रैकेट में P भी लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में CP भी लिख सकते हो, और ये चीज़ ये आपसे चीज़ पूछी है। अब आपको लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, लाभ कैसे निकलेगा क्रय मूल्य कैसे निकलेगा वो सवाल पे डिपेंड करता है। उसने कहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य का 64% है, तो क्रय मूल्य तो आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, उसके लिए पहले हमको अंकित मूल्य मानना पड़ेगा कि माना जो अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य आपको मानना है, अंकित मूल्य तो आप जानते होगे ना, मार्क्ड प्राइस, मतलब कोई भी सामान जब आप मॉल वॉल में लेने जाते हो तो उसके ऊपर जो लेबल लिस्ट लगी होती है उसमें जो लिखा होता है जितना प्राइस, वो उसका मार्क प्राइस होता है, जिसको आप लिस्ट प्राइस भी बोलते हो, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप जैसे 100 रुपये मान लेते हो, तो उसका जो क्रय मूल्य है, उसका जो क्रय मूल्य है जिसको आप CP बोल रहे हो, वो 100 का 64% है। तो 100 का 64% आप सभी को पता है सीधे सीधे 64 रुपये ही आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई, अब एक चीज़ पता चल गई यहाँ पे मैंने रख लिया। अब आपको चाहिए लाभ। देखिए लाभ आप तभी निकाल सकते हो जब आपका विक्रय मूल्य आपको पता हो, और उसमें से आप क्या करो क्रय मूल्य माइनस कर दो तो आपको लाभ पता चल जाता है। कहने का मतलब है SP में से CP माइनस करके आपको प्रॉफिट पता चल जाता है। अब हमको चाहिए लाभ वहाँ पे रखने के लिए, लाभ कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में कहा है 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। देखिए दोस्तों छूट कैसे निकालते हैं, जैसे कोई दुकानदार कह रहा है कि मैं इस चीज़ को 120 रुपये की बेचूंगा, लेकिन कह रहा है मैं इस पर 10% की छूट दे रहा हूँ, 10% की छूट दे रहा हूँ, तो आप कहोगे 12 रुपये की वो छूट दे रहा है, और 12 रुपये की जब इसमें छूट दे रहा है तो 12 रुपये इसमें माइनस करेगा वो, यहाँ पे 8 आएगा, 10 से 2 8, यहाँ पे 0, मतलब 108 रुपये की वो उसको खरीद सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा मार्क्ड प्राइस होता है, MP होता है। तो जो छूट होती है दोस्तों वो कैसे निकलती है, छूट हमेशा आपकी अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य घटा के निकाला जाता है।
तो जो छूट होती है, अगर उसकी हम बात करें, छूट बराबर जो होती है वो अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, माइनस का विक्रय मूल्य इस तरीके से निकलता है, ये आपका छूट होती है। और छूट प्रतिशत अगर आप देखें, यहीं पे छूट प्रतिशत देखें, अभी ये चीज़ें समझा रहा हूँ, बाद में जब पता चल जाएंगी तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं पड़ेंगी। वो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं छूट, या सीधे सीधे आप यही लिखो, अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य और बटे यहाँ पे अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई 100, ये आपका क्या निकलता है, छूट प्रतिशत। तो क्वेश्चन में छूट प्रतिशत 12 दिया है, 12%, अंकित मूल्य आपने 100 माना है, SP आप लिख लेते हो, अभी आपको निकालना है, यहाँ पे अंकित मूल्य 100 होगा, इसको आप 100 करके ऐसे कट कर दोगे, तो यहाँ से SP माइनस का SP बराबर हो जाएगा, 100 को उठा के इधर लाओगे, 12 माइनस 100 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 88 आएगा। तो आप देखोगे SP आपका 88 आ गया। अब आपको यहाँ से लाभ बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जब SP आपको 88 पता चल गया, क्रय मूल्य आपको 64 पता था, तो यहाँ से लाभ आपका आएगा सीधे सीधे 24 रुपये। अब सब कुछ आपको पता चल गया है, यहाँ पे 24 करो और यहाँ पे आप आसानी से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। आप देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 12 और 2 × 1 = 2, 2 × 12, और यहाँ पे 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 2 × 8 = 16, और 4 से इसको कटो, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे इसको 25 करो, तो 25 × 3 = 75/2 आएगा, 75/2 आएगा प्रतिशत में, तो ये 37.5% हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, हर चीज़ मैंने लिखी है इसलिए समय लगा है, जब आप करोगे तो ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको, ना ही ये चीज़ सब लिखनी है आपको, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि 100 संतरे ₹400 में खरीदे गए तथा ₹60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ बता दो। देखो, अगर ₹400 के 100 संतरे खरीदे गए तो एक संतरे का मूल्य क्या हुआ, ₹4, और ये खरीदने का है तो CP तुम्हारा कितना हो गया, ₹4। फिर कह रहा है ₹60 प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, मतलब 60 संतरे जो हैं ₹60 के कितने प्रति दर्जन, मतलब 12 संतरे बेचे गए, तो 12 × 5 = 60, ₹5, ये क्या हो गया, ये आपका SP हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे देखो, ₹4 के खरीदे, ₹5 का एक संतरा बेच रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का। और आपसे पूछा गया प्रतिशत लाभ, तो नीचे क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना है 4, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप 4 से कट करोगे 25 आएगा, सीधे सीधे 25% का लाभ इस क्वेश्चन में हो जाएगा। 9 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी आप आसानी से लगा सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि ₹5/6 की दर से केले, पहले वाले क्वेश्चन की तरीके है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप रुपये लिख लीजिए, यहाँ पे आप वस्तु लिख लीजिए। पहले कह रहा है कि ₹5/6 की दर से केले खरीदे, मतलब CP हो गया, और ₹6/5 की दर से बेचे, तो ये SP हो गया। अब मैंने क्या कहा था, वस्तुओं को बराबर करिए, तो 6 और 5 को बराबर करना है, तो 30 बना लीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए पूरे में, इसको 6 से, तो 5×25 हो जाएगा, 5×30 हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा, और 6×5 = 30 हो जाएगा। 30 देखिए क्या था, संतरे थे या क्या था, केले थे, 30 केले ₹25 के खरीदे और 30 केले ₹36 के बेच रहा है, तो यहाँ पे देखो उसको डायरेक्ट लाभ हो रहा है कितने का, 25 की चीज़ 36 में बेची जा रही है, तो उसको लाभ हो रहा है दोस्तों ₹11 का, और ₹11 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो नीचे क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हम दोबारा जो बनाते हैं उसी को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रय मूल्य ये है ना 25, और 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का निशान लगाओगे, 25 से काटोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 44% इस क्वेश्चन का लाभ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 44% लाभ जो आपको दिया गया है
तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। तो आज के पार्ट में 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, 46 क्वेश्चन है, चार पार्ट में इसको हम कवर करा देंगे। छोटे छोटे वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे आपका भी ज़्यादा समय ना लगे वीडियो देखने में और आसानी से आपकी ये बुक समाप्त हो जाए। कोई भी आपका एग्ज़ाम अगर आपने यूपी टेट नहीं दिया है, सी टेट नहीं दिया है और सुपर टेट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो क्या करें, आप इस बुक को डेली मेरे चैनल पर पढ़ते रहें। जब भी मैं वीडियो एक दो दिन में आपके लिए लेकर आऊँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप हमारे चैनल से देखते रहें और आप अपनी मैथ को कवर करते रहें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करेंगे दोबारा से, उस क्वेश्चन को, उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम अपने चैनल पर आपको क्विज कराते रहते हैं, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं वो भी आपको वहाँ पर दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।